उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस ने दो बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। सुखेर पुलिस ने यहां के कविता इलाके में पीटा एक्ट से जुड़ी बड़ी कार्यवाही की। पुलिस ने देर रात पीटा एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए नेशनल हाईवे 76 पर स्थित एक होटल जिसका नाम लखन है, लेकिन काम सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, यहां से 3 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। यानी कि यहां चल रही थी जिस्म फरोशी, जिसमें एक दलाल भी शामिल है। यह पूरी कार्यवाही डिप्टी एसपी तपेंद्र मीणा के नेतृत्व में की गई। पुलिस जांच कर रही है कि होटल में यह सब कब से चल रहा था और इसमें कितने लोग शामिल हैं। दरअसल बीती रात लगभग 2 बजे सुखेर पुलिस ने रामलखन होटल पर दबिश देकर पीटा एक्ट में कार्यवाही को अंजाम दिया। इसमें वेश्यावृत्ति में लिप्त 3 महिलाओं और 3 पुरुषों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ भी कार्यवाही की। पुलिस ने शहर में आर के सर्कल के पास शराब से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी। गाड़ी में करीब 200 कार्टून अंग्रेजी शराब जांच कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। उदयपुर जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देश पर मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ अभियान चल रहा है। इसके तहत डिप्टी तपेंद्र मीणा के सुपरविजन में सुखेर थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली। मालूम चला कि बुधवार सुबह न्यू गोपालपुरा के पास एक सफेद पिकअप में अवैध शराब ले जाई जा रही है, जिस पर सुखेर थाना पुलिस ने कार्यवाही कर पिकअप को रोका और तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से शराब के 195 कार्टून भरकर ले जाए जा रहे थे। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहे, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।